जहाँ की राख पवित्र है, जहाँ भोलेनाथ हर हृदय में बसते हैं, जहाँ पर पान साड़ी गंगा आरती घाट मंदिर है, उसी शहर को तो बनारस कहते हैं। हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। कपल ट्रैवल मुंसाई में एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे बनारस की गलियों में। बनारस एक ऐसा शहर है जो कि शहर नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक दुनिया है। हजारों कहानियों को अपने आंचल में समेटे हुए बसी है ये गलियां। ये गलियां कहाँ शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है ये कोई भी नहीं जानता। कोई इन गलियों को भूल भुलैया कहता है तो कोई कहता है इन्हें रहस्यमय दुनिया। अगर आप बनारस घूमने जा रहे हैं तो सिर्फ यहाँ के रास्ते नहीं बल्कि यहाँ की गलियों में भी जरूर घूमें। ये गलियां आपको दर्शाएंगी यहाँ के लोगों की जीवन शैली। चारों तरफ के दुकान, लोगों के बात करने का तरीका, तंग गलियों में गाड़ियों की झंझट, कांधे पे ले जाती हुई अर्थी, राम नाम के गूंज, दीवारों पर रंग बिरंगी चित्रकलाएं, खड़ी हुई गाय, खेलते हुए बच्चे, गपशप का करते हुए बुजुर्ग, मिठाइयों की खुशबू, पुरानी पुरानी घरे और टूटी फूटी दीवारें, सब कुछ मिल करके एक अलग ही दास्तान सुनाती है। इन गलियों में अकेले चलना किसी चुनौती से कुछ कम नहीं है। दशाश्वमेध गली, काशी विश्वनाथ गली, कचौड़ी गली प्रमुख प्रसिद्ध गलियां हैं, जो बनारस की संस्कृति और सभ्यता को प्रतिष्ठित करती है। ये गलियां रहस्यमय होने के साथ ऐतिहासिकता का भी साक्षी है। बनारस में रास्तों से कई गुना अधिक बल्कि हजारों हजारों गलियां हैं। अगर आप बनारस को करीब से देखना चाहते हैं, यहाँ की जीवन शैली को उपभोग करना चाहते हैं, तो इन गलियों में पैदल घूमने का लुत्फ जरूर उठाइए। यहाँ के हर कोने कोने में बसी हुई है हजार कहानियां। इन कहानियों को खुद से रूबरू जरूर करवाइए। इन सारे गलियों के अलग अलग नाम है और हर नाम के पीछे छिपी हुई दास्तान है। जैसे कि पहला, काशी विश्वनाथ गली। काशी नगरी के हृदय में बसता है श्री काशी विश्वनाथ गली। इस मंदिर में भगवान भोलेनाथ का ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित किया हुआ है। विश्वनाथ जी के नाम अनुसार इस गली का नामकरण किया गया है। दूसरा है कचौड़ी गली। ये गली काशी विश्वनाथ गली के पिछले हिस्से में स्थित है। ये गलियां में ज्यादातर दुकान कचौड़ियों के होने की वजह से इन गलियों का नाम कचौड़ी गली रखा गया। तीसरा है खोआ गली। इस गली में खोआ की काफी बड़ी मंडी होने के कारण इस गली का नाम खोआ गली रखा गया। ऐसे ही हर गली के पीछे एक एक नाम है, जैसे कि दाल मंडी गली, नारियल गली, गोविंदपुरा गली, रेशम कटरा गली, विंध्य बासिनी गली, काल भैरव गली, भूतानी इमली की गली, सप्त सागर गली, कर्ण घंटा गली, गोला दीनानाथ गली, गोपाल मंदिर की गली, पत्थर गली, हनुमान गली, तुलसी गली, गुदड़ी गली, शिवाला गली, खिड़की गली, जुआड़ी गली, संकटा गली, पशुपतेश्वर गली, पंचगंगा गली, चौरास्ता गली, नेपाली गली, कामेश्वर महादेव गली, सिद्ध माता गली, ऐसे ही कई हजारों गलियां यहाँ पर अपनी अपनी विशेषता के साथ बसी हुई है। वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दे ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलेंगे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।